बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो अभी बस सुबह हुआ के लिए हम निकले थे, आज पराठे कुछ ज़्यादा खा लिए, खाना जो सैरी है वो ज़्यादा खा ली थी, तो सोचा कि पहले वॉक करने के लिए निकलते हैं। फिर अभी वॉक करते करते आज एक नई जगह पे आके हमने ये मस्जिद मिली और अभी फजर की नमाज़ अदा करके बाहर निकल आए हैं। तो मेरे साथ हैं जी अबू बकर भाई, वॉक करने के लिए सुबह सुबह ज़रा निकले थे। तो वॉक वैसे भी अच्छी होती है जी, क्योंकि खाना शाना खा के लेट जाना सो जाना तो वो वैसे भी बंदे को बीमार ही करती है, तो बेहतर है कि आप वॉक करें। तो अभी बस जा रहे हैं जी वापस रूम में। तो आज कुछ थोड़ी बहुत ग्रासरी की शॉपिंग करनी है दिन को, कज़न की भी फरमाइश है और जो रूममेट्स हैं मेरे उनकी भी फरमाइश है कि आज दाल चावल बना के खिलाएँ, साबत मसूर की दाल। तो बस उठेंगे दिन को 12-1 बजे और जाना है, लेकर आएंगे। और आज आपके साथ हम अपनी इफ्तारी की रूटीन जो आज हमने घर में बनानी है इफ्तारी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अमूमन तो हम जो है वो मस्जिद में जाके इफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह रूम में हम इफ्तारी का जो है इंतज़ाम करेंगे और जो रेसिपी दाल चावल की बनाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अबू बकर भाई, रमज़ान कैसे गुजर रहा है आपका? रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, और आप बताओ, सब दोस्त भाई जो भी हमारा व्लॉग देखते हैं उनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? हाँ जी, जरूर कमेंट्स में बताएं। रोजा नहीं रखते, रोजे रखें, नमाज पढ़ें अपनी, बेशक दुआ करें जी। तो बाकी अभी सुबह का टाइम है जी, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, गर्मी भी उस तरह की नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के टेम्परेचर यहाँ का दुबई का यूएई का अब बेहतर हो रहा है। तो बाकी फर्दर आपके साथ शेयर करेंगे आज की रूटीन। तो भी बस अब रूम में वापस जाना है, तो मिलते हैं जी दिन को। जी तो जैसा कि अभी रमज़ान मुबारक का जो सा पहला अशरा है ये अख्ताम पजीर होने वाला है, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोज़ है और यहाँ दुबई में कल 9वां और परसों 10वां पहला अशरा कंप्लीट हो जाएगा। और पाकिस्तान से हम एक दिन पहले हमारा रोज़ा था, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा काम वाला सिलसिला भी नहीं है, अभी रूम में ही रहते हैं हम। तो मैंने आपसे बोला था कि जो सा मेरा यहाँ आने का मकसद है वो इंशाल्लाह मेरे कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, तो मैं फिर आपके साथ उसका कंप्लीट अलहदा व्लॉग बनाऊंगा और आप सब के साथ मैं वो भी शेयर करूंगा। तो बाकी रमज़ान का महीना जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे लिए दुआएं करें, अल्लाह की ज़ात जिस मकसद के लिए हम इधर आए हैं परदेश मुल्क में, अल्लाह की ज़ात हमारे वो मकसद पूरे करें। और बाकी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। इंशाल्लाह एक अनकरीब एक गुड न्यूज़ आने वाली है, तो मैं जैसे उसके वेट में हूँ, जैसी वो आएगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं वो शेयर करूँगा। तो बस जी यही एक पैगाम था, और बाकी अब चलते हैं रूम में जाके सोना है, रेस्ट करेंगे और बाकी फिर जो दिन की रूटीन होगी और इफ्तार की रूटीन होगी वो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, ओके जी, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम जी, तो बस अभी उठे हैं, जोर की नमाज वगैरह अदा की है और अभी बस थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कुछ सामान लेना था, दाल चावल जो पकाने आज हमने उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी है। तो अभी हम इधर मॉल पे जा रहे हैं और साथ में मेरे दोस्त भी हैं, तो चलते हैं जी अंदर मॉल चलते हैं, फिर वो आपको विज़िट करवाते हैं। और बाकी आज दाल चावल की रेसिपी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज। मॉल नज़र आया तो हमने कहा चलें ज़रा थोड़ा सा अंदर इसका चेकअप करें, क्या कैसा माहौल है यहाँ का। थोड़ी सी विंडो शॉपिंग तो नहीं करनी, लेकिन यह है कि बस ज़रा माहौल वगैरह देख रहे हैं कि कल को हम इधर आके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, रेंज में है सारा कुछ, माशाल्लाह ज़बरदस्त माहौल है जी।
20 दिरहम तक की रेंज तक की प्राइजेस थी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेंज में है। इंशाल्लाह जब कभी हमने कोई चीज़ देनी होगी, शॉपिंग वगैरह करनी होगी, अब हमें पता चल गया हमने इधर ही आना है। तो अभी बस आगे वो बनैंजा मॉल है, तो वहाँ से जाके भी कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं, चलते हैं जी हाइपर मार्केट। तो चलते हैं जी अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। वाले पोर्शन में आए हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ताज़ी सब्ज़ी लगी हुई है, ज़बरदस्त माहौल है जी माशाल्लाह। चलें जी अभी हम ज़रा शॉपिंग वगैरह कर लें, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। वापस जाके नमाज पढ़नी है और उसके बाद अपनी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करेंगे, और आज दाल चावल की रेसिपी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज। जाम श्री बना रहे हैं जी शाह जी देसी स्टाइल से। हाँ जी असद भाई, कैसा दाल चावल? बेहतरीन नहीं, सही है, सही दस नहीं बल्ला, दाल चाहे कमी नहीं है? नहीं नहीं बेहतरीन। हाँ जी इमरान भाई के नहीं क्या बात है, मशहूर पता है जो जी दाल जी। तो अभी खाना शाना खाया था, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी है इशा की, और अभी बस निकले हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो मैंने सोचा चलें ज़रा बाहर की आउटिंग हो जाए, ज़रा वेदर अच्छा है और वॉक भी करना बहुत अच्छा है। तो अभी बस निकले हैं, मेरे साथ हैं अली हसन, दोनों अली हसन हैं मेरे साथ। तो बस निकले हैं वॉक करने के लिए, चलते हैं देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम। जी हसन भाई जी, जनाब आप पहली दफ़ा मेरे साथ हमारे साथ वॉक करने के लिए जाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ये अली हसन और वो शाह जी, वो तो रेगुलर मेरे साथ जाते हैं जी जी। और सुनाए रोज़े वगैरह कैसे गुजर रहे हैं आप? बेहतरीन जा रहे हैं। ठीक है जी जी। और क्या नई ताज़ी आप शाह कुछ सुनाए? फिलहाल तो कोई खास नहीं है। अच्छा बाकी है, सही है सही है सही। चले और अली हसन जी भाई, आप सुनो किधर चले गए, कैमरे में आओ ना यार, इधर ही नज़र नहीं आ रहे हो जी जी। अभी क्या प्रोग्राम है, कहाँ वॉक करनी है, कहीं बैठना है, क्या करना है? पहले चाय पीते हैं फिर बाद में ना कहीं निकलते हैं वॉक करने के लिए। चलें ठीक है, चलें जी अभी फिर, अब इनकी फरमाइश है चाय पीनी है जी, तो चाय पीते हैं चल के, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है, वापस रूम में जाना है या वॉक करते हैं आगे। जी तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो काइंडली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो बाकी मैं अपनी तरफ से तो मेहनत पूरी कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ये डेली व्लॉगिंग आ रही है, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो सा है मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी अपने चैनल पे डालूँगा। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मैंने जिस काम के लिए आया हूँ तो उसकी अभी डिटेल मैंने आपसे शेयर करनी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम है। एक दफ़ा कोई थोड़ी बहुत मेरी प्रोसेसिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए, कुछ स्टेप्स कंप्लीट हों, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे कंप्लीट अपनी जो सी वो चीज़ें हैं सारी कुछ शेयर करूँगा। तो बाकी वीडियो करते हैं, अल्लाह की ज़्यादा आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, नेक तमन्नाओं नए दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।